हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द ऑफिशियल जोन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप में से काफ़ी स्टूडेंट के मेरे पास मैसेजेस आए हैं कि मैम आखिरकार बीएड सेकंड ईयर के रिजल्ट कब आएंगे। अब उसमें से कुछ स्टूडेंट के मेरे पास रिप्लाई ये भी आ रहा है कि मैम आप रिप्लाई तो करती नहीं हैं और आपको इतना टाइम नहीं है कि आप बच्चों के रिप्लाई कर पाएँ। दोस्तों, ये बात ऐसा नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं करना चाहती, बट मोस्टली आप लोगों के सेम ही मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं कि आखिरकार बीएड सेकंड ईयर का रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों, मैं वीडियो को इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि सबके कमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ऊपर से कमेंट कर भी दो तो भी बहुत सारे स्टूडेंट के फिर भी डाउट रहते हैं। तो इस वाली वीडियो को सिंगल इसलिए बना रही हूँ कि आपकी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी ऐसा रिजल्ट से रिलेटेड या कोई भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा हो आपके एग्जाम से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। उसका डाउट मैं जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो मेक श्योर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिया होगा, जिससे कि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसका अपडेट आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, बीएड सेकंड ईयर का रिजल्ट जैसे कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जल्द से जल्द आप लोगों का आ सकता है, यानी कि आप नॉर्मली बोल सकते हैं कि विद इन 10 to 15 days के अंदर आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि CCS यूनिवर्सिटी ने नॉर्मली अगर मैं बोलूँ तो CCS यूनिवर्सिटी ने आप लोगों के जो काफ़ी जो अलग अलग से कोर्सेज थे BSc, MSc, MA, BA, इन सब के रिजल्ट धीरे धीरे वो क्या कर रही है, जारी कर रही है। तो अब आपके बीएड का भी रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि बीच में अभी क्या हुआ था कि काफ़ी यूनिवर्सिटी ने तो प्रैक्टिकल कराने के लिए मना कर दिया था, फिर भी कुछ कॉलेजेस ऐसे थे जो कि फीस ले रहे हैं, बच्चों के प्रैक्टिकल करा रहे हैं, बच्चों के प्रैक्टिकल लिए भी जा रहे हैं, और आधों के तो प्रैक्टिकल हो भी गए जब तक एक नोटिस आया था कि आप प्रैक्टिकल नहीं लेंगे, बच्चों से फीस नहीं लेंगे, बच्चे कंप्लेन कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी डाउट क्वेरी आएगा तो अब उसमें भी बच्चे कुछ नहीं कर सकते हैं। कमेंट में बस तो ये भी आ रहे हैं कि मैम हमारे कॉलेज में किसी ने 5,000 लिए हैं, किसी ने 6,000 लिए हैं, काफ़ी हद तक मतलब आप बोल सकते हैं किसी के कॉलेज में सिर्फ 3,000 लिए हैं। बात उसकी नहीं है कि किसके कॉलेज ने 3,000 लिए हैं या फिर 6,000 लिए हैं, मैटर ये करता है दोस्तों कि कॉलेज वालों को अगर प्रैक्टिकल की फीस नहीं लेनी चाहिए तो उन्होंने ली क्यों। तो आपकी मर्जी, आप लोग अगर कंप्लेन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि आप लोग सिर्फ हमें कमेंट करके ये नहीं हो सकता है कि आप हमें कमेंट कर देंगे कि हमारे कॉलेज में ये है या आपको कुछ करना चाहिए, आपको कुछ बोलना चाहिए। दोस्तों, हमारे कहने से कुछ नहीं हो सकता है, हम सिर्फ एक वीडियो लेके आते हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो जाए या फिर आपकी बहुत ज़्यादा तक हेल्प कर पाए, बट ऐसा हम आगे कुछ नहीं कर सकते जो आपके लिए हेल्पफुल हो पाए, राइट। तो आप लोग अपने कॉलेज का जो भी मैटर है आप लोग वहाँ पे बोल सकते हैं या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को ये भी डाउट और क्वेरी रहती है कि आखिरकार जो हमने प्रैक्टिकल की फाइल बनाई है वो क्या करें। मोस्टली सबके कॉलेज वाले नहीं ले रहे हैं, बस 1-2% है ऐसा कॉलेज जिसमें आपके प्रैक्टिकल भी कराए जा रहे हैं, सारे के सारे प्रोजेक्ट फाइल भी सबमिट कराई जा रही है, प्रेजेंटेशन यानी PPT वो CD में पूरा कलेक्शन वो लोग ले रहे हैं, जिससे कि उनके पास एक डाटा इकट्ठा हो जाए कि हाँ हमने इस सेशन के बच्चों का पूरा रिकॉर्ड अपने पास रखा हुआ है। तो अब में से काफ़ी हद तक के स्टूडेंट के कमेंट ये भी जाएंगे हमारे में नहीं हुआ हमारे। दोस्तों, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, सबके लिए कंपलसरी नहीं बता रही हूँ, जो कुछ कुछ कॉलेजों का ऐसा हो रहा है वो मैंने आपको बताया है, राइट। अब आ जाते हैं बीएड सेकंड ईयर रिजल्ट की। तो जैसे कि आज आपको पता है सैटरडे है, तो सैटरडे संडे तो रिजल्ट अभी बिल्कुल नहीं आते हैं CCS यूनिवर्सिटी में, तो मंडे से लेकर बाकी अदर कोर्सेज के भी आपके रिजल्ट आ जाएंगे। तो बीएड सेकंड ईयर के रिजल्ट भी आप लोगों के जल्द घोषित हो जाएंगे, विद इन 10 to 15 days आप लोग वेट करिए, उसका नोटिफिकेशन भी जल्द से जल्द जारी हो जाएगा। तो उसका भी मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन यहाँ पे या फिर अब ये बोलिए छोटी सी वीडियो ही सही, कुछ नहीं टाइम मिला तो भी मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट कर लूँगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेक श्योर अभी तक आप लोगों ने बेल आइकन को भी प्रेस किया होगा, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों के डाउट होते हैं कि मैम आपकी वीडियो आ जाती है बट हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे कि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो उसका आपके पास फटाफट से मैसेज आ जाए। तो चलिए दोस्तों, आई होप ये दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो बस इतनी ही है, नेक्स्ट वीडियो पे जल्द से जल्द मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।